आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर एनसीडी सेल द्वारा जिला पुरुष चिकित्सालय ओयल एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य रूप से सीएमएस एमसीएच डॉक्टर एसी श्रीवास्तव, एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, ईएनटी सर्जन डॉक्टर रामकिशन, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर आरएस मंधोरिया और वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर आई के राम चंदानी सहित मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश शुक्ला और जियोलॉजिक फिजिकल साथ ही डॉक्टर शिखर वाजपेयी उपस्थित रहे। इनके द्वारा गोष्ठी में उपस्थित लोगों को कान में होने वाली बीमारियों और उसके बचाव के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान एनसीडी सेल से फाइनेंस लॉजिस्टिक विजय वर्मा सहित जिला चिकित्सालय से काउंसलर देवनंदन श्रीवास्तव, ऑडियोमेटिक असिस्टेंट बसंत गुप्ता, साइकेट्रिक सोशल वर्कर अतुल पांडे, मोहम्मद सईद, विवेक तिवारी, सरिता कुमारी आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट। बच्चे के विकास में जो बाधा उत्पन्न हो गई है उसको दूर किया जा सकता है। ये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। तीसरी चीज, अगर कान बहता है, अगर कान बह रहा है तो कान के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। जिस किसी का भी कान बह रहा है, नहाते समय रुई जरूर लगा के रखिए और यथाशीघ्र ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए, उसको दिखाइए और जो वो उपचार बता रहा है उसको करेंगे। क्योंकि कान के अंदर, ये तो बाहरी कान का हिस्सा है, इसके बाद जो मध्य कर्ण है और अंतःकर्ण है, अगर वहां पे इन्फेक्शन पहुंचेगा तो आपके बॉडी के इक्विलिब्रियम, जो बैलेंस बनाने की बात है, वो भी दिक्कत होगी। तो अगर आदमी, ऐसा व्यक्ति अगर आंख बंद करेगा तो उसको लगेगा मैं गिरा जा रहा हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समाज में अगर आप जागरूकता उत्पन्न करेंगे, अपने घर परिवार जहां है, हम सबका कर्तव्य है कि इस तरह के विषयों में हम लोग जागरूकता उत्पन्न करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें हम पहुंचाएं, लाभान्वित करें अपने घर परिवार अड़ोस पड़ोस के लोगों को, तो उससे जो है लोग बहुत सी बीमारियों को हम बचा सकते हैं। तो आज का जो मैं मूल मंत्र दूंगा वो ये है कि पहला, बच्चे को लिटाल के दूध नहीं पिलाना है, और दूसरा, अगर कान बहता है तो उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाने देना है, वरना उसके जरिए इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। और बाकी जो है, मैं और आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अभी राज्य स्तरीय एक बैठक है, उसमें भी भाग लेना है। मुझे उम्मीद है कि आज जो यहाँ पे चर्चा हो रही है या अभी ये चर्चा कंटिन्यूड है, इससे आप लोग लाभान्वित होंगे और अपने अड़ोस पड़ोस तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे। केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा इस जानकारी को। और साथ साथ मौका है तो मैं आज डॉक्टर रामकिशन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप जनपद में आए और आपने एक बहुत बड़ी कमी को हमारे जनपद में दूर किया। हमारे अपने जनपद में पिछले कुछ महीनों से कोई नाक कान गला विशेषज्ञ नहीं था, जिला अस्पताल में कोई नहीं था। ऐसी दशा में जो लोग मेडिकल बोर्ड के लिए भी आते थे उनको लखनऊ रेफर करना पड़ता था हमें। अब आपके आने के बाद वो एक बहुत बड़ी कमी दूर हो गई है। शासन का आभारी है कि आपका उन्होंने पोस्टिंग करी और आपने यहाँ स्वीकार किया, तो इससे जनपद के लोग लाभान्वित होंगे और आप जो सेवाएं यहाँ। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।